नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, खबर इस समय हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए जो दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले थे, लेकिन इसी बीच आज वसई से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं उसमें दो समुदायों में भाईचारे का मां पाठ पढ़ाया गया है। दरअसल आज हनुमान जयंती के अवसर पर वसई अंतर्गत सातीवली से हिंदू समाज के लोगों ने एक शोभा यात्रा सातीवली गांव देवी मंदिर से लेकर सातीवली के अलग अलग क्षेत्र में निकाली। इस शोभा यात्रा में हिंदू भाई लोग झूमते हुए जा रहे थे। इसी बीच सातीवली मौर्या नाके पर, मौर्या नाके से आसपास हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फाउंडेशन के बैनर तले मुस्लिम समाज के लोगों ने इन सभी शोभा यात्रा में शामिल लोगों को पानी की बोतल वितरित की और साथ ही इस शोभा यात्रा पर फूल बरसाए। इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे थे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष, जो कि खुद भगवा टोपी में और भगवा कुर्ते में नजर आए, मोहम्मद खटीक। उनका साथ दे रहे थे इसके उपाध्यक्ष खजांची वसीम खान, उपाध्यक्ष शफात खान, साथ में अखिल भारतीय जनहित सेवा संघ के अध्यक्ष रफीक अंसारी भी नजर आए। उसके अलावा इकबाल सईद, अफजल खान आदि पदाधिकारियों के साथ में बहुत से लोग इसमें शामिल हुए। आज जहां देश भर के अलग अलग हिस्सों से कई तरह की सांप्रदायिक घटनाओं की जो वीडियो पिछले दिनों में आ चुके हैं, उन घटनाओं के बाद आज इस तरह का ये जो वीडियो सामने आया, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का, भाईचारे का, इसकी काफी सराहना की लोगों ने। और हो ना हो, इसी चीज की हमको जरूरत है। आज दो समुदाय के अंदर बीच में प्यार बांटने की जरूरत है और दोनों समुदाय के त्योहारों में शामिल होने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं हमको इन चीज़ों का भाईचारा बनाए रखना है। और आज तस्वीर जो सातीवली से नजर आई, देश के हर एक कोने से नजर आनी चाहिए, ताकि हम एक साथ मिलकर इस देश को तरक्की की राह पर ले जाए। देखिए इस कार्यक्रम की जल्दिया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। जाएगा।
हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।